नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अंकित सर की 15 जून की वीडियो लेकर आ रखे हैं, जिन्होंने करंट अफेयर के डिटेल क्वेश्चन अंकित सर जी ने कराए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश? सही आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जो 40967 किलोमीटर है। और सबसे कम भारत की कौन से देश के साथ लगती है बताइए? यह लगती है अफगानिस्तान। भारत की सबसे कम सीमा लगती है, जिसको 106 किलोमीटर तक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश सीमा कितने किलोमीटर लंबी है बताइए सब लोग। अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, इसका करेक्ट आंसर है सी 4096.7 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का फॉरेस्ट 501.7 बिलियन डॉलर हुआ, वह भारत के जीडीपी का कितना परसेंट है? कितना है बताइए सब लोग। इसका आंसर है 15%। क्वेश्चन नंबर आंसर डी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से भारत का फॉरेस्ट कितना रुपया, माफ कीजिएगा, निम्न में से भारत का फॉरेस्ट किस रूप में नहीं रहता बताइए सब लोग? फॉरेन करेंसी में, कैपिटल मार्केट में, गोल्ड में या कोयला उत्पादन में बताइए सब लोग क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है डी, कोयला उत्पादन में नहीं रहता, बाकी सब में रहता है। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में नेपाल के बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, यह घटना एक परिवार के साथ के कहां से कहां जाने के लिए हुई थी बताइए सब लोग? यह घटना कहां से कहां तक हुई थी बताइए? इसका करेक्ट आंसर है सीतामढ़ी से सरलाही तक, क्वेश्चन आंसर बी, जो जिसकी वजह से नेपाल की सीमा पर गोलीबारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत के पास हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार 6653.0 टन यह रिपोर्ट जारी की थी बताइए सब लोग क्या आंसर होगा? शक्तिकांत दास ने, ओसबोर्न स्मिथ ने, वैनी पात्रा ने, एम के जैन ने, किसने की थी? यह आरबीआई के द्वारा, शक्तिकांत दास द्वारा की थी, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस के पास एफडीआई कितनी है बताइए कितनी है? ये क्वेश्चन सभी 15 जून के हैं, जो अंकिशन ने कराए थे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसका आंसर है बी, जो कि 97,000 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आ रखे हैं, इसको देखिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल हो जाए होता है या तो अनुभव, चीज़ें दोनों ही अच्छी होती है। तो देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, हमेशा हर दिन। आजकल वैसी प्रॉब्लम हो रही है कोविड-19 की वजह से, अपने लक्ष्य को सही हो ले जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को कब हटाया गया था बताइए सब लोग? कब हटाया गया था? 1950 में, 1958 में, माफ कीजिए 1978 में, 1976 में, 1951 में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? यह हटाया गया था 1978 में, जो कि 44वां संविधान संशोधन था। माफ कीजिए, वर्ल्ड 1900 क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड फाइल्स में कितनी धनराशि दी जाती है? यह कितनी धनराशि दी जाती होगी? 2.5 लाख डॉलर, 7.5 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर या 2.1 लाख डॉलर, कितनी दी जाती होगी? यह दी जाती है ए, 2.5 लाख डॉलर धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई फूड कब मनाया जाता है? यूएन, माफ कीजिएगा, यूएन वर्ल्ड फूड कब मनाया जाता है बताइए सब लोग? कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 जनवरी को, 8 जनवरी को, 16 अक्टूबर को या 16 नवंबर को बताइए सब लोग कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कौन है वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक बताइए सब लोग? स्वामीनाथन जी, हरिचंद्र जी, नॉर्थ बोरलॉग जी या इनमें से कौन? नहीं, इसका करेक्ट आंसर है सी। अच्छा बताइए, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? यह माने जाते हैं स्वामीनाथ जी माने जाते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सा कॉरिडोर है बताइए? कौन सा कॉरिडोर है? माफ कीजिएगा, पंजाब में कौन सा कॉरिडोर है? इसका करेक्ट आंसर है करतार सिंह कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23, ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है बताइए सब लोग? ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आखिरी क्वेश्चन है 24, वाह बताइए सब लोग। अलेक्जेंडर गो
बॉबिक मुक्केबाजी खिलाड़ी से संन्यास लिया था, वह कौन से देश के हैं? बताए सब लोग कौन से देश के थे? अलेक्जेंडर जी, वियना के, यूए के, ब्रिटेन के या यूक्रेन के? बताए सब लोग कहाँ के हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, यूक्रेन के। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और यदि आपको हमारा चैनल ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे हमको सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा टेलीग्राम चैनल है MK Study 68650 है, यह PDF आपको इसमें मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।